दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की हमारी स्ट्रीट फूड वॉक में, जो कि हम आपके लिए स्पेशली ला रहे हैं चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली से। दोस्तों कभी ना मिस करने वाला चांदनी चौक का स्ट्रीट फूड आज हम अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन केस अगर आपके हिसाब से हमने कोई फेमस फूड जॉइंट मिस कर दिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा खाना कहाँ का लगा वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, और दिल्ली का दिल है पुरानी दिल्ली यानी चांदनी चौक। तो आज हम खड़े हैं चांदनी चौक में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं उधर लाल किला है, और उस एंड पे है हमारे फतेहपुरी जामा मस्जिद। तो हम लाल किला से लेकर फतेहपुरी जामा मस्जिद तक जितने भी फेमस स्ट्रीट फूड जॉइंट्स हैं वो कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। चलिए दोस्तों शुरुआत कुछ मीठे से की जाए, वो भी फेमस जलेबी वाला की जलेबियों से, जो कि 1884 से यहाँ पर लोगों को जलेबी खिला रहे हैं। इधर तो यहाँ पर समोसे अभी बन रहे हैं, गर्मा गर्म समोसे। भैया जलेबी नहीं है? जलेबी आ गए। क्या रेट दिया जलेबी का? 50 को 100 ग्राम 500 रुपए किलो। अच्छा मिनिमम 50 की है। भैया टाइमिंग क्या रहता है इसका शॉप का? 8 बजे से और शाम के वही 8-8:30 बजे तक। कितनी पुरानी शॉप आपकी? 1884। आप ट्राई करते हैं फेमस जलेबी वाला की जलेबी गर्मा गर्म। अगर इनकी जलेबी आपको ट्राई करनी है तो आ जाइए इधर। टाइमिंग और मैंने आपको लोकेशन बताई दी है, आप देख सकते हैं यहाँ हमेशा इतनी ही भीड़ रहती है। और ये है यहाँ की बहुत ही फेमस इलेक्ट्रिकल मार्केट, भागीरथ के नाम से जानी जाती है ये। दिल्ली सरकार ने बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर काम किया है। पहले ये यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी, इतनी कंजेशन होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर सब कुछ खुला खुला सा लग रहा है। कितना खूबसूरत कर दिया है इन्होंने, ये पुरानी दिल्ली को चांदनी चौक को एकदम चमका दिया है। और आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी बिल्कुल नए तरह की हैं। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रीट फूड वॉक चांदनी चौक के अंदर, तो साथ रहिएगा दोस्तों, आपको भी मज़ा आ जाएगा। और आप देख सकते हैं ये है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं पराठे वाली गली, और भाई खुशबू यहां तक आने लग गई है अभी पराठों की। बहुत ही पुरानी और बहुत ही स्पेशल है ये गली, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा इसको। और इतने तरह के यहां पर पराठे बनाए जा रहे हैं, क्या लें भैया? पराठों के बारे में कौन बताएगा? पराठे के बारे में किस किस तरह के पराठे मिलते हैं आपके यहाँ? उस्ताद जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। अच्छा जी बताइए भाई कौन कौन से पराठे मिलते हैं आपके यहाँ? पराठे बहुत तरह के होते हैं, नई वैरायटी। आलू है, गोभी है, मूली है, मटर है, पनीर है, मिक्स वेज है, दाल है, पापड़ है, गाजर है, टमाटर है, नींबू है, पुदीना है, पेरी पेरी है, करेला है, भिंडी है, काजू है, बादाम है। बस 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 थोड़ा सांस ले लीजिए। तकरीबन कितने तरह के होंगे? कम से कम 40 तरह के पराठे हैं। 40 तरह के? हाँ पनीर। तो हमें कौन सा पराठा ट्राई करना चाहिए? आपको ट्राई करिए ना मिक्स वेज पराठा। मिक्स वेज पेरी 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 मिर्ची। अच्छा चलिए एक तो मिक्स वेज लगा दीजिए, एक पेरी पेरी आपके रिकमेंडेशन पर, ठीक है? ओके बढ़िया से बनाना। बढ़िया बनाना। कितने टाइम से बना रहे भैया आप यहाँ पर? यहाँ हो गए हमको 10-15 साल हो गए सर। 10-15 साल? हाँ। वेलकम टू पराठा वर्ल्ड, शॉप का नाम है। यहाँ देखिए ये कुछ इनके स्पेशल पराठे हैं। तो यहाँ पर ये मिक्स वेज पराठा बन रहा है। क्या क्या डाला इसमें? पेरी पेरी में हरी मिर्ची है, पनीर है, चीज है, पापड़ है, आलू है। क्या बात है। और पेरी पेरी मसाला। 1889 से ऑलमोस्ट 125 ईयर्स हो चुके हैं, और मैं इस फैमिली का 6th जनरेशन हूँ जो अब काम संभाल रहा हूँ। यहाँ पर कितनी सारी शॉप हैं पराठे की? 4 शॉप हैं जी टोटल। अच्छा यहाँ मैंने देखा कि बिल्कुल अजीबोगरीब लिस्ट है पराठों की।
हाँ, तो शायद पहले कभी सुना नहीं होगा इस तरह के पीरी पीरी और हरियाली पराठा, ये पराठा टोना टोटका पराठा। हाँ, टोना टोटका, रबड़ी पराठा, काजू बादाम पराठा, खुरचन पराठा, मतलब नई नई आती रहती है हम लोग। हाँ, पहले जैसे शुरुआत तो आलू नॉर्मली शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे ऐड ऑन करते गए, तो करेला, भिंडी, टमाटर, पापड़, ये सब भी ऐड किए, काजू बादाम, खुरचन, रबड़ी पराठा, फिर अभी हमने रिसेंटली ऐड ऑन करे हैं चीज़, टोना टोटका, कैंडी क्रश, तो ये सब बार पनीर बारबेक्यू, पनीर मखनी, ये सारे चाप पराठा, ये सब ऐड ऑन करते गए, वैरायटी आती है। टोना टोटका पराठे में क्या होता है? हरी मिर्ची और नींबू। अच्छा, हाँ, तो लोग खाते हैं या डरते हैं इसे? बहुत खाते हैं, बहुत। अच्छा? सबसे ज़्यादा चलते हैं टोना, वो भी कर दीजिए भैया, टोना टोटका वो भी कर ट्राई करते हैं। ये आगे जी मिर्ची, ये है टोना टोटका पराठा, टोना टोटका पराठा, ये मिर्ची नींबू मसाला पराठा। अच्छा, ये नींबू का मसाला डालते हैं हम, और ये टोना टोटका पराठा हो गया, रेड चिली, ग्रीन चिली और लेमन, तीनों मिला के ये बना दिया टोना टोटका। ये नाम कहाँ से लाते हो टोना टोटका? ये सब ढूंढ के, मैं बिहार के रहने वाला हूँ ना। अच्छा, आप ही लाते हो ये सारे? बिहार से। अच्छा, ये आ गया जी टोना टोटका पराठा। ये ऑयल कौन सा होता है? देसी घी है, नेशनल का। क्या बात है, देसी घी में बनते हैं, मैं तो अब तक समझा था रिफाइंड में बनते हैं। बहुत है पराठे का मेन्यू, आलू मटर की सब्जी है, केले की चटनी है, ये आलू मटर की सब्जी है, और ये केले की चटनी, केले की चटनी है, ये सीताफल है पीछे, ये सीताफल है, मीठा जानते हैं, ये आलू मेथी सूखी सब्जी, आलू मेथी की सब्जी, हरी चटनी, धनिया की हरी चटनी। चलिए बारी है अब इसको टेस्ट करने की। चलिए सबसे पहले टोना टोटका पराठा ट्राई करते हैं इनका। बहुत ही स्पाइसी है, स्पाइसी इन द सेंस बहुत खट्टा है, जो इसमें नींबू काफ़ी मात्रा में डाला हुआ है। अब ट्राई करता हूँ मैं मिक्स वेज, ये अपना मिक्स वेज पराठा आ गया, इसको मैं इस आलू मटर की सब्जी के साथ ट्राई करता हूँ। ये स्वादिष्ट है। तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने सारे पराठे ट्राई करने के बाद आप अगर चांदनी चौक आते हैं ना, तो आपका यहाँ मस्ट विजिट बनता है एक बार। इतनी सारी रेंज है और इतनी फेमस गली है अपना आप में, हिस्टोरिकल गली है, पराठे वाली गली, तो आइए यहाँ पराठों का लुत्फ ज़रूर लेंगे। गाइस जैसे ही आप पराठे वाली गली से बाहर निकलेंगे, जस्ट उसी के सामने बहुत ही फेमस फूड पॉइंट नटराज दही भल्ला, भाई आपने नाम सुना होगा इसका ज़रूर। चलिए अब बारी है यहाँ के दही भल्ले टेस्ट करने की। भीड़ देखिए, ऐसा लगेगा आपको जैसे यहाँ पे फ्री में दही भल्ले खिलाए जा रहे हों। बहुत ही फेमस फूड जॉइंट है ये, लाइन से इनके यहाँ पर ये टिक्कियाँ मिलती हैं, आप देख सकते हैं। बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ का दही भल्ले खाने हैं तो यहाँ के। चलिए लाइन में लगते हैं और लेते हैं यहाँ के दही भल्ले। भाई इनके लिए लिटरली मुझे लड़ाई करनी पड़ी है यहाँ पर, इतनी भीड़ है। चांदनी चौक के अंदर कोई भी फूड अगर आपको ट्राई करना है तो इतना आसान है नहीं, आपको थोड़ा सा पहले ही यहाँ पर तैयार होकर आना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, और ये मैं दो दो नहीं खाने वाला, मेरे साथ और भी बंदे हैं, वो टेस्ट करेंगे। भाई लेते हैं इस डिलीशियस दही भल्ले की, लेते हैं एक बाइट इसकी। ऐसा नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मैं पहले भी खाए हुए हैं, लिटरली दिल खुश हो जाता है। यहाँ आते हैं तो मैं दोबारा यही बोलना चाहूँगा कि भाई इनके दही भल्ले एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब हम आ चुके हैं इस बहुत ही यूनिक सी शॉप पर, यहाँ मिलते हैं भाई कांजी वड़े, आपने ज़रूर सुने होंगे और खाए भी होंगे, ये बहुत ही फेमस है अपना में। ये पानी होता है राई का, उसके अंदर वड़े होते हैं जो ग्लास में सर्व किया जाता है। तो ये हैं हमारे कांजी वड़े, ये वड़ा है और ये पानी है, इसको किस तरह से थोड़ा सा खाया जाता है। फाइनली हम उस चौक पर हैं जिसकी वजह से इस चांदनी चौक का नाम चांदनी चौक पड़ा, ऐसा कहते हैं, वो हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा। और उधर आप देख सकते हैं ये नई सड़क के लिए जा रहा रास्ता। अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं
फतेहपुरी मस्जिद की तरफ। गाइस फाइनली तकरीबन एक सवा एक किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करने के बाद हम सामने खड़े हैं बिल्कुल फतेहपुरी मस्जिद के। तो अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या खास मिलता है, चलिए मेरे साथ। इस समय हम खड़े हैं छैना राम सिंधी हलवाई की जो ये शॉप है उसके सामने, और ये भी बताते हैं कि 120 साल पुरानी शॉप है और इनकी हर मिठाई अपने आप में फेमस है। आप देख सकते हैं 9 सेल की मिठाई यहाँ पर मिलती है। तो भाई यहाँ इन्होंने हमें रिकमेंड किया है गाजर का हलवा, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और ये इनका सीज़न में काफ़ी बिकता है, काफ़ी सेल है इसकी सीज़न में। भाई लाजवाब हलवा है, आप भी यहाँ आएँ सर्दियों में तो ये ट्राई ज़रूर करें एक बार, देसी घी में बना हुआ है। गाइस अब हम आ चुके हैं गोल हट्टी, जो कि बहुत ही फेमस फूड जॉइंट है यहाँ पर और बहुत ही पुराना है। यहाँ पर 6-7 तरह के आइटम मिलते हैं और अपने आप में सारे ही फेमस हैं। और इनके भाई ये छोले पालक चावल बहुत ही फेमस है यहाँ पर, तो हम ये ट्राई करेंगे पहले। ये हमने अपना टोकन ले लिया। ये डाल दिए हैं छोले, डाले भैया पहले चावल फिर छोले, ये आ गया पालक, चावल छोले पालक चटनी और प्याज। ये कढ़ाई फेमस है यहाँ पुरानी दिल्ली में, ये और कहीं तो नहीं मिलेगा इसके अलावा। ये और कहीं नहीं पुरानी दिल्ली में हमारी है, गोले चावल छोले पालक है सब। क्या बात है। चलिए दोस्तों मैं इसकी एक बाइट लेता हूँ, भाई बड़ा ही रश है यहाँ पर। भाई इसका अपना ही एक अलग जायका है और ये स्पेशल है पुरानी दिल्ली के अलावा, लिटरली ये कहीं नहीं मिलने वाली। फूड लवर्स के लिए पुरानी दिल्ली का खाना मैं वन ऑफ द बेस्ट खाना है, तो आप अगर यहाँ आते हैं पुरानी दिल्ली तो इस पॉइंट पर ज़रूर आइएगा, बहुत ही यूनिक है और इनके हर आइटम अपने आप में स्पेशल है। फाइनली ये है हमारा लास्ट डेस्टिनेशन और यहाँ हम इनका जो बहुत ही फेमस रबड़ी फालूदा है वो ट्राई करने वाले हैं। यहाँ से आपको अपना टोकन लेना पड़ेगा, वो टोकन आपको यहाँ पर देना है। ट्राई तो करना बनता है। इसकी कीमत है 100 रुपीज, लेकिन ये आई थिंक मेरे हिसाब से वर्थ है, सब कुछ खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है। सो गाइस ये तो थी हमारी आज की फूड वॉक पुरानी दिल्ली की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और ऐसी चटपटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।